अगर आपका एपिक यानी वोटर आईडी कार्ड में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन टाइप, रिलेटिव्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो जैसे डिटेल्स में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और आप उसे सुधारना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको जरूर शुरू से लेके अंत तक देखना होगा बगैर स्किप किए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। आज इस वीडियो पर मैं कैसे वोटर आईडी कार्ड में सुधार लाए जाते हैं, वो भी घर बैठे, उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड पर कोई भी करेक्शंस कर पाओगे और करेक्शन करने का कुछ दिनों के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड आपकी घर की पते पर भेज दिए जाएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए चलते हैं मेन वीडियो की ओर, लेकिन जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वोटर आईडी कार्ड में कुछ करेक्शन करने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन का इस नया वेब पोर्टल पर चले आना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं। आके पहले आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करके एक नया अकाउंट बना लेना है, लेकिन अगर आपके पास पहले से ही एक अकाउंट है तो आपको यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे कि मेरे पास एक अकाउंट है और उसी अकाउंट से ही मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस लॉगिन ऑप्शन के ऊपर टैप कर रहा हूँ। टैप करते ही लॉगिन का पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर एपिक नंबर बैठा देना है, जैसे कि मैं मेरा एपिक नंबर बैठा रहा हूँ। इसके बाद आपको पासवर्ड और कैप्चा को एंटर करके रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर टैप कर देना है। इतना करते ही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को यहाँ एंटर करके वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक नया पॉपअप आ जाएगा, जिसमें कह जा रहा है कि जैसे कि इस पोर्टल को अपडेट किए गए हैं, इसलिए आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो चलिए एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं और उसे कंफर्म करके सबमिट के ऊपर टैप कर देते हैं। सबमिट करते ही और एक नया पॉपअप आ जाएगा, जहां पर लिखा है कि आपका नया पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुके हैं, आप इस नया पासवर्ड से लॉग इन कीजिए। सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन लॉग इन ओवर हियर। क्लिक करते ही लॉग इन का वही पेज दोबारा आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर एपिक नंबर, नया पासवर्ड और कैप्चा को एंटर करके रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर टैप कर देना है। कैप्चा अगर गलती से रॉन्ग एंटर किए गए हैं तो आपको फिर से नया कैप्चा को एंटर करके रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही पहले की तरह आपको फिर से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को एंटर करके वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर टैप कर देना है। इतना करते ही आप इस नया पोर्टल पर लॉग्ड इन हो जाओगे। वोटर कार्ड में सुधार लाने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इस फॉर्म नंबर 8 के ऊपर टैप कर देना है, जहां से आपको वोटर आईडी रिलेटेड तीनों सर्विसेज को देखने को मिलेगा, जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन एंड रिप्लेसमेंट। तो चलिए इस 8 नंबर फॉर्म के ऊपर टैप कर देते हैं। जैसे ही मैं टैप किया, एक पॉपअप आ गए हैं, जहां पर आप किसके लिए इस एप्लीकेशन को कर रहे हो उसे मेंशन करना होगा। जैसे कि अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो आपको सेल्फ, और अगर आप दूसरा किसी के लिए कर रहे हो तो अदर इलेक्टर को सिलेक्ट करना होगा। अदर इलेक्टर को सिलेक्ट करने से उसी के ठीक नीचे आपको उनका एपिक नंबर बैठा के सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ मेरा खुद का एपिक नंबर बैठाया दिखाने की खातिर, इसलिए सेम एपिक एस सेल्फ दिखाई दे रहा है। सेल्फ को सिलेक्ट करते ही ये देखिए अब ठीक हो गए हैं। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। क्लिक करते ही उसी एपिक का डिटेल्स शो होगा, जैसे कि स्टेट, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, नेम एंड सरनेम और रिलेटिव नेम एंड सरनेम।
डिटेल्स को चेक करके आपको जो है ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही और एक पॉपअप दिखाई देगा विथ पार्ट एंड सीरियल नंबर, जिसके नीचे आपको चारों ऑप्शंस भी दिखाई देगा जिसके लिए आप इस एप्लीकेशन को कर रहे हो, जैसे कि शिफ्टिंग, करेक्शन, रिप्लेसमेंट और मार्किंग पर्सन विद डिसेबिलिटी। इनमें से मैं करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल पर टिक करके ओके के ऊपर टैप कर रहा हूँ, एज आई एम गोइंग टू मेक सम करेक्शंस इन माय एपिक कार्ड। टैप करते ही आपके सामने फॉर्म 8 ओपन हो जाएगा विद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी डिटेल्स। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए ए वाला सेक्शन ब्लू टिक्ड हो गए हैं, यानी ए सेक्शन मैंने पार कर चुके हैं। इसके बाद आता है बी यानी डिटेल्स का फील्ड्स, जहां पर आपको एप्लीकेंट का नाम और एपिक नंबर फिलअप होके दिखाई देगा। उसी के ठीक नीचे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर की चेकबॉक्स को, और अगर नहीं है तो बगल वाले इस चेकबॉक्स को टिक कर देनी है। जैसे कि मेरे पास आधार है इसलिए मैं आधार नंबर की चेकबॉक्स को टिक करके उसी के ठीक नीचे दिए गए फील्ड पर आधार नंबर को बैठा रहा हूँ। खुद का मोबाइल नंबर है तो सेल्फ, और नहीं तो फादर, मदर और एनी अदर रिलेटिव का चेकबॉक्स को टिक करना होगा। जैसे कि मैं खुद का मोबाइल नंबर भर रहा हूँ इसलिए मैं सेल्फ को टिक करके अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह से अगर अवेलेबल है तो आपका खुद का, और नहीं तो फादर, मदर और एनी अदर रिलेटिव का ईमेल आईडी भी एंटर करना होगा, नहीं है तो छोड़ भी दे सकते हैं। ये सब फिल करके आपको जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए डिटेल्स का फील्ड भी कंप्लीट हो चुके हैं ब्लू टिक के साथ। अब बारी है एप्लीकेशन की बजाय दर्शाने का, जो फिलअप होके दिखाई दे रहा है एज करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, और जिसके नीचे आपको मेंशन करना होगा कि आप क्या क्या करेक्शंस करना चाहते हो अपने वोटर कार्ड पर, जैसे कि नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन टाइप, रिलेटिव्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो। जैसे कि मैं डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस का करेक्शंस करना चाहता हूँ इसलिए मैं इस दो ऑप्शंस के ऊपर टिक कर रहा हूँ। टिक करते ही ये देखिए डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस का फील्ड्स आ गए हैं जिसे मुझको अभी फिल करना होगा। पहले इस कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट, टाउन और विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड जैसे फील्ड्स को भर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस का हर एक फील्ड को एंटर करके यू हैव टू अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद दिस एप्लीकेशन, जिसका फाइल साइज 2 MB के अंदर और फाइल फॉर्मेट PNG, JPEG या फिर PDF होनी चाहिए। जैसे कि मैं डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट किए हैं इसलिए मुझको दोनों का ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा इस एप्लीकेशन के साथ। पहले डेट ऑफ बर्थ के लिए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करते ही आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई देगा, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा, जिनमें से मैं आधार को चुन रहा हूँ। आप अपना अकॉर्डिंग चुनिएगा। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका एक फाइल अपलोड करना होगा जो मैं पहले से ही मेरा PC पर सेव करके रखा है। इसके लिए आई हैव टू क्लिक चूज फाइल ऑप्शन एंड ओपन माई फाइल। ये देखिए फाइल अपलोड हो चुके हैं। नाउ आई हैव टू सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगेंस्ट माई एड्रेस विच आई वॉन्ट टू अटैच विद दिस एप्लीकेशन। यहाँ पर भी आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई देगा, जिनमें से मैं आधार को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और चूज फाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फाइल को ओपन करते ही ये देखिए ये भी अपलोड हो चुके हैं। इतना करने के बाद आई हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट टू कम्प्लीट दी सबमिट एप्लीकेशन फॉर फील्ड। अब आपका डिक्लेरेशन की फील्ड आ जाएगा विथ एप्लीकेशन डेट, जहां पर आपको अपनी प्लेस को एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते ही ये देखिए डिक्लेरेशन का फील्ड भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब खाली बाकी है सबमिशन का फील्ड्स को भरना, जहां पर आपको दिए गए कैप्चा को एंटर करके प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर टैप कर देना है।
कैप्चा रॉन्ग एंट्री करने से आपको फिर से एक नया कैप्चा को एंटर करना होगा। प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर टैप करते ही आपका फॉर्म 8 फिलअप होकर के आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से। आपको पूरा फॉर्म एक बार ऊपर से नीचे तक चेक कर लेना है और सबमिट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही आपको पूछा जाएगा कि आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हो, जहां पर यस पर टिक कर देना है। क्लिक करते ही एक्नॉलेजमेंट का पेज ओपन हो जाएगा विद एक्नॉलेजमेंट नंबर, जिसे आपको कॉपी करके रख देना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इस एक्नॉलेजमेंट को आप इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। नाउ लेट्स क्लिक ऑन ओके। इतना करते ही आप फिर से इस पोर्टल का होम पेज पर चले आओगे, जहां पर आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है और रेफरेंस नंबर एंटर करके अपनी स्टेट को सिलेक्ट करके सबमिट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही उसी के ठीक नीचे आपको इस एप्लीकेशन का डिटेल्स दिखाई देगा, जैसे कि सीरियल नंबर, रेफरेंस नंबर, स्टेट, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फॉर्म टाइप, सबमिशन डेट और करंट स्टेटस, जो कि सबमिटेड दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करके आप भी इस वीडियो को फॉलो करते हुए अपने वोटर आईडी कार्ड को भी करेक्शंस कर पाओगे, जो आपको रजिस्टर्ड पते पर भेज दिए जाएंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू, देन गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। That was all for today's video. I will be coming back soon with yet another interesting video on my channel on YouTube. Stay safe, stay healthy. Thanks for watching.